पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति सीमांत बचत प्रवृत्ति में संबंध को दर्शाइए। मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो शॉर्ट मोड में बोलते हैं MPC और सीमांत बचत प्रवृत्ति जिसको शॉर्ट मोड में बोलते हैं MPS, इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में संबंध को बताना है। मैं हूँ नकुल सर, आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक्स गुरु। बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल में मैं लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, उसी सीरीज में मेरा ये क्वेश्चन है आज। बाकी क्वेश्चन की वीडियो देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए हमको बात करना है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति के बीच में संबंध की, क्या संबंध होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का जो संबंध होता है दोनों के बीच में, हमेशा इकाई का संबंध होता है। मतलब अगर सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, योग करे, तो उसका आंसर हमेशा इकाई होता है। जिसका मतलब ये हुआ सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC प्लस सीमांत बचत प्रवृत्ति MPS, इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, इन दोनों का मान, इन दोनों की वैल्यू हमारा 1 के बराबर होता है। अब ये होता कैसे, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, इस चीज़ को जानना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको मैं आपको क्लियर करूं कि MPC और MPS दोनों का मान योग 1 कैसे होता है। एक चीज़ तो हमने देखा ही हुआ है हमेशा कि बॉय यानी कि आय किसके बराबर होता है, आय में जो होता है उपभोग यानी कि सी और बचत यानी कि एस, इन दोनों के योग के बराबर होता है। सी मतलब क्या होता है, उपभोग, और एस मतलब क्या होता है, बचत। क्यों, उपभोग और बचत दोनों ही आय का हिस्सा होता है। ठीक है ना, सी भी आय में से आता है, एस मतलब बचत भी आय का हिस्सा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। अब यहां से अगर हमने दोनों पक्षों में डेल्टा वाई से क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग करने पर वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर भाग करते तो आ जाएगा आपके पास, दैट इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस अपॉन, ये हो जाएगा डेल्टा वाई। इतना हमें मिल गया है। ठीक है ना, अब क्या करने की अकॉर्डिंग टू फार्मूला बॉय से बॉय को अगर डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इससे ये काटेंगे तो यहाँ दोनों को अलग रखेंगे, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब एक चीज़ आपको मैंने बताना है कि MPC का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ये फार्मूला होता है। वहीं पर MPS का फार्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ऐसे में हमारा ये प्रूव हो गया कि 1 = इसकी जगह हम रखेंगे MPC की वैल्यू यानी कि MPC और डेल्टा एस अपॉन वाई की जगह रखेंगे MPS। तो ये प्रूव हो गया कि इन दोनों को जोड़ हमेशा 1 के बराबर होगा। इसका मतलब उदाहरण है, अगर कहीं पर, इसका मतलब ये हुआ कि एक फार्मूले से अगर हमें होता है, एक और फार्मूला याद हो जाता है कि कहीं पर आपको MPC दे रखा है और MPS पूछा गया है, तो एक में से MPC को माइनस कर देंगे तो ये आपको दूसरा फार्मूला बन जाएगा। और अगर MPC निकालना है तो MPC निकालने के लिए बस सेम वही, एक में से MPS को माइनस कर देंगे। ठीक है ना, ये तीसरा फार्मूला बन गया। तो इस तरीके से हम जो है डेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाए किसी क्वेश्चन में अगर कि अगर MPC बराबर 0.8 हुआ तो बताइए MPS कितना होगा, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर MPS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - 0.8 यानी कि 0.2, ये आ गया पहला एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल इसी में आगे लेके आते हैं कि अगर MPS दे रखा है 0.25 तो बताइए कि MPC कितना होगा। तो यहाँ पर MPC यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आपका जो होगा वो होगा MPC इक्वल टू 1 - MPS, दैट मीन्स 1 - 0.25, तो ये आ जाएगा 0.75 MPC। MPC मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति
और एमपीएस का मतलब होता है सीमांत बचत प्रवृत्ति। तो इसके बीच में ये संबंध होता है, इस संबंध को बताएंगे। अक्सर ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में, ठीक है, या फिर 4 नंबर में, या 6 नंबर में अगर उत्तराखंड बोर्ड में पूछा जाए, और अगर यूपी बोर्ड में पूछा जाता है तो यही क्वेश्चन आपको मिलेगा 3 नंबर में, 7 नंबर में, या फिर 10 नंबर में। वीडियो को पसंद आए तो अपने उन दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं बिल्कुल ईजी वे में, मैं आपको आपके खुद की लैंग्वेज में, ईजी लैंग्वेज में आंसर प्रोवाइड कराता हूँ। अपने खुद के हाथों से लिखा हुआ, कहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं, खुद अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू एवरीवन वीडियो को पूरा देखने के लिए।